रायपुर में जगन्नाथपुरी मठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में जो आयोजन हो रहा है वो चुनाव के चलते हो रहा है। मोदी और योगी उत्तर प्रदेश में 3 पाकिस्तान बनाने की नींव डाल रहे हैं। निश्चलानंद ने कहा, प्राण प्रतिष्ठा का काम संतों का है, वहाँ नेता क्या करेंगे? इन सब उत्सव में मैं जाना नहीं उचित समझता। मोदी गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और हम बाहर ताली बजाते बैठे रहेंगे, ये उचित नहीं। शंकराचार्य ने कहा, भारत में एशिया स्तर की मस्जिद पहले से है और अब अयोध्या में 5 एकड़ भूमि में विश्व स्तर की भव्य मस्जिद बनाने का काम होगा। मथुरा और काशी में भी ऐसा ही होगा। अभी मोदी और योगी तो खुश हो रहे हैं, लेकिन कालांतर में मोदी और योगी 3 नए पाकिस्तान बनाने की नींव डाल रहे हैं। रामाभाटा स्थित अपने आश्रम में शंकराचार्य ने कहा कि मंदिर बनने में भी अभी 1.5 वर्ष से भी अधिक का समय लगेगा, इतनी जल्दबाजी क्यों? आप समझ सकते हैं आगे चुनाव है। उन्होंने कहा कि जो भौतिकवादी होती है वो केवल वर्तमान की दृष्टि रखते हैं, मैंने भविष्य की दृष्टि से हस्ताक्षर नहीं किया। इतने साल बाद रामलला प्रतिष्ठित हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बरसों से उलझा हुआ काम संभल रहा है, लेकिन शास्त्रीय विधि से उनकी प्रतिष्ठा नहीं होगी, ये तो सिद्ध हो गया। शंकराचार्य ने आगे कहा कि नेताओं ने पहले श्रमजीवी बुद्धिजीवी के आधार पर बांट दिया, फिर सवर्ण और असवर्ण में जनता को बांटा, अब आदिवासी और आगंतुक में बांट रहे हैं। जनता को बेवकूफ बनाकर सत्ता पर बैठते हैं देश के नेता। शंकराचार्य ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में भी हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने का प्रकल्प चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।